हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं पत्ता गोभी की सब्जी की रेसिपी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, जो कि आपको ज़रूर से आएगा, तो इस वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हर रोज़ वीडियो अपलोड करें। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे और उसके अंदर जीरा डाल देंगे। गरम तेल में हम जीरा डाल देंगे और उसी में हम शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे चना दाल। तो मुझे भी पहली बार पता चला कि चना दाल को इंग्लिश में ग्राम लेंटल्स बोलते हैं। एंड ये चना दाल हमने लगभग 2 चम्मच के करीब डाला है, और इसको भी डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चना दाल डालना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे अच्छा टेस्ट आता है, तो हम बोलते हैं कि आप डालें ज़रूर से, मगर मर्ज़ी आपकी है, आप डालना चाहो या ना डालना चाहो। हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, टमाटो, जिंजर, गार्लिक, चिली पेस्ट, जो हम हमेशा सब्जियों में डालते हैं। और अगर आप चाहो तो टमाटर को छोटा छोटा काट के डाल सकते हो, मिर्ची, अदरक, लहसुन को स्टार्टिंग में छोटा छोटा काट करके डाल सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, ताकि टमाटर पक जाए। अब हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे, यानी टर्मरिक डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। अब हम इसके अंदर सब्जी मसाला डाल रहे हैं। हम एवरेस्ट का सब्जी मसाला यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड का सब्जी मसाला डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। हम इसके अंदर पत्ता गोभी डाल रहे हैं, जो हमने काट के रखी थी पहले से ही। तो ये हम इसके अंदर पत्ता गोभी डाल रहे हैं, और मिक्स करते टाइम मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी, क्योंकि इसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगा था, मतलब 1-2 मिनट का ही टाइम लगा था, तो उतनी बड़ी रिकॉर्डिंग हमने नहीं की और हमने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया। तो अभी इतना सारा दिख रहा है ना, मिक्स करेंगे तो कम हो जाएगा, आप देखना कि मिक्स करने के बाद ये कितना ज़्यादा कम हो जाता है। Thank you.
मैंने आपको बोला था कि मिक्स करने के बाद काफ़ी कम हो जाएगा और आप देखो कितना कम हो गया है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ये खुद के पानी में खुद से पक जाएगा, इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो आप देखोगे कि ये खुद से ही पानी छोड़ेगा और खुद के ही पानी में पकेगा, तो पानी डालने की एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने आपको बोला था कि ये अपना खुद का पानी छोड़ेगा जो कि इसने छोड़ा है। एंड या हमारी ये सब्जी तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।